स्वागत है गाइस टेकेवे चैनल पर। तो यदि आपका मूड है सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने का, लाइक सैमसंग S23 5G और S23 FE 5G, तो भाई सैमसंग ने एग्जैक्ट प्राइस बता दी है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डील पे क्या रहने वाली, और बहुत ही खतरनाक क्लियर प्राइस है। और यदि आपको ये डिवाइस बुक करना है तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है टोकन अमाउंट वाला, तो भाई वो भी आपको बताने वाला हूं उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या वो कैंसिलेशन उसमें अलाउड है कि नहीं है, रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट तक जरूर देखना यदि आप सैमसंग का डिवाइस खरीदने वाले हो। तो भाई देखो, सबसे फेमस जो डिवाइस है सैमसंग का S23 FE, इसको लेके बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, उसका जो बेस वेरिएंट है 128GB स्टोरेज वाला, उसका प्राइस है 38,000 रुपीज। और यदि आप बात करोगे इसके 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की, तो उसका प्राइस पड़ जाएगा 42,000 से 43,000 रुपीज के आसपास, 4,000-5,000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। और यदि बात करो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की, तो भाई उसका प्राइस आपको पड़ जाएगा बेस वेरिएंट का 28,000 रुपीज के आसपास। अब ये प्राइस आपको एक्जैक्टली कब मिलेगा, जब आप टोकन अमाउंट पे करोगे, जो कि है 1,000 रुपए का, और टोकन अमाउंट आपको आज कल के अंदर ही पे करना पड़ेगा वाला, बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है। अब भाई टोकन अमाउंट का क्या मसला है वो आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपको सैमसंग का S23 खरीदना है 38,000 में, 128GB स्टोरेज वाला, ठीक है। अब ये फ्लिपकार्ट वालों ने बोला है कि जब आपने टोकन अमाउंट के 1,000 रुपए पे कर दिए, तो आपके पास जब सेल स्टार्ट होगी 26 तारीख को, तो आपके पास 48 आवर्स रहेंगे। 48 आवर्स में आप कभी भी डिवाइस को सेम प्राइस पे बाई कर सकते हो, मतलब प्राइस आप लोगों के लिए लॉक हो जाएगी जिन्होंने टोकन अमाउंट पे किया है। जिन लोगों ने टोकन अमाउंट पे नहीं किया, तो भाई उनके लिए प्राइस इंक्रीज हो सकती है 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में, तो ये फर्क है। जिन्होंने टोकन अमाउंट पे कर दिया उनके लिए प्राइस लॉक हो जाएगी, जो कि 38,000 है बेस वेरिएंट के लिए और 28,000 है S23 FE के बेस वेरिएंट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर टोकन अमाउंट में हल्का सा कैच है, ये है कि जैसे आपने टोकन अमाउंट 1,000 रुपए आज पे कर दिया और आपका मूड हो गया कि मेरे को सैमसंग S23 का 256GB वाला वेरिएंट खरीदना है, ठीक है, बट आपने टोकन अमाउंट तो दिया था S23 128GB वाले वेरिएंट का, तो भाई जो आपका टोकन अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो रिफंडेबल नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा 256GB स्टोरेज के अंदर। तो भाई उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में चीज लिखी हुई है, तो भाई ध्यान रखना, जो भी वेरिएंट आप 100% श्योर हो ना कि भाई आपको 256GB स्टोरेज खरीदना है कि 128GB स्टोरेज खरीदना है, उसी का भाई टोकन अमाउंट देना। अदरवाइज यदि आपने गलत टोकन अमाउंट दे दिया, तो भाई वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन कैंसिलेशन वाला है, ना तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा ना आपका रिफंड आएगा। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब सैमसंग हो चाहे हमारा फ्लिपकार्ट, उन्होंने ये चीज लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर भी, यदि आपने 1,000 रुपए पे करे टोकन अमाउंट के, जैसे 38,000 प्राइस है S23 का, आपने 1,000 रुपए पे करे, तो जो फाइनल प्राइस पे करोगे ना क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से, तो टोकन अमाउंट का जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब होगा कि नहीं हमको देखना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो वेरिएंट आप खरीदने वाले हो, जो डिवाइस आप खरीदने वाले हो, उसी का टोकन अमाउंट पे करना जब आप 100% श्योर हो। 100% श्योर नहीं हो तो भाई टोकन अमाउंट पे मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बट भाई जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई उनको 100% ये डिवाइस खरीदना है, तो भाई टोकन अमाउंट का एडवांस मनी भी पे करके रखूँ, आपके लिए जो प्राइस है दो दिन के लिए, मतलब 48 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगी। जब फ्लिपकार्ट के जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए सेल स्टार्ट होने वाली है 26 तारीख से, ठीक है, तो 26 से, तो एक दिन पहले शुरू हो जाएगी, और जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए स्टार्ट होगी 27 से। तो भाई सारा का सारा गेम 26 तारीख को ही हो जाएगा, तो मेक श्योर रखो आपके पास प्राइम मेंबरशिप हो फ्लिपकार्ट की जो होती है ना, यदि आपके पास नहीं हो तो आपके फ्रेंड्स के पास हो प्राइम प्लस वाली मेंबरशिप, क्योंकि 26 तारीख को ही सैमसंग के S23 के जितने भी वेरिएंट्स है, S23 FE के वेरिएंट्स है 38 और 28,000 की प्राइस पे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, चाहे S23 हो चाहे S23 FE हो, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये टोकन अमाउंट वाला जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन कैंसिलेशन है। यदि आपको डिवाइस पसंद नहीं आया, वेरिएंट पसंद नहीं आया, कि आपको दूसरा वेरिएंट खरीदना है, तो भाई ये नॉन रिफंडेबल है, 1,000 रुपए आपके डूब जाएंगे। तो ध्यान रखता, 100% श्योरिटी हो तो जाके ले लेना, नहीं हो तो भाई मत लेना, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यदि कोई डाउट बिंदास तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना, और मुझे ये भी बताना कि भाई कौन सा डिवाइस लेने आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय, सी यू।